हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रेजेंट हूं क्लास सेवन के सेकंड चैप्टर फिजिक्स का, जो हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, चार्ज क्या चीज होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, सर्किट कितने तरीके के होते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, और बाकी सारे डायग्राम, हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कनेक्टिंग वायर हो गया, सेल बैटरी वगैरह, इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे पिछले क्लास के पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अरे बोर्ड पे तो देख के समझ ही गए होंगे, पहले से टाइटल देख के समझ गए होंगे, नीचे लिखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हमारा ये टॉपिक कवर होने वाला है, ध्यान से समझेंगे, डीपली समझाएंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर मेरी आवाज फास्ट हो रही है तो उसको यूट्यूब पे स्लो कर लेंगे, अगर मेरी आवाज अगर स्लो हो रही है तो उसको यूट्यूब पे फास्ट करेंगे, सारा ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस टॉपिक को सुनते ही माइंड में एक चीज स्ट्राइक होती है, हीटिंग यानी कुछ जल रहा है, गरम गरम सा, गरम गरम सा नहीं है, रोटी नहीं पक रहा है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज जान लेना है, एक टॉपिक का छोटा टॉपिक वो चीज कवर करते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, किसी भी चीज को कंजर्व करके रखना। अब कंजर्व क्या बोल रहे हो सर, कंजर्व कंजर्व समझ में नहीं आ रहा, चलो समझते हैं क्या चीज होता है एनर्जी, क्या चीज होता है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कभी भी कंजर्व रहता है, कभी जैसे हम दो रुपए, हमारे पास पांच रुपए है, ठीक है, पानी में फेंक दिए, पांच रुपए गुम हो गया, ठीक है, पांच रुपए तो गुम हो गया, लेकिन एनर्जी ऐसी चीज है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहता है, एनर्जी को हम कंजर्व रखते हैं। ठीक है, मान लो मेरे अंदर का एनर्जी जा रहा है, ठीक है, अंदर का एनर्जी निकल रहा है, लेकिन वो एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देख लो बल्ब चल रहा है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं, बल्ब चला रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बल्ब के थ्रू हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। गाड़ी चलती है, गाड़ी का मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो गाड़ी के साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारे काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सो हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, और एनर्जी के बारे में अगर हम सिंपल डिफाइन करें तो नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। तो एक टर्म है, वो चीज हमेशा आपके काम आएगा, आप लिख लेंगे, एनर्जी कैन, नोटबुक अगर नोटबुक में लिखेंगे बदमाशी नहीं करना, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी बन नहीं सकता, एनर्जी को कभी हम कभी खत्म नहीं कर सकते और नहीं बना सकते, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर, ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमेशा ट्रांसफर होता है, चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हो गया हमारा हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमारे बॉडी का मैकेनिकल एनर्जी जो हो गया वो हमारा आपका साउंड एनर्जी में निकल जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे एनर्जी कन्वर्ट होते जाता है, चेंज होता जाता है, लेकिन एनर्जी कंजर्व रहता है। कंजर्व का क्या मतलब है वो हम समझेंगे, तो इस चीज को आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड सेकंड वन इज इफ इट कैन ओनली बी क्रिएटेड, ठीक है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस चीज को आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। अब व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेडिंग डालेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या चीज है, एक एग्जांपल मैं समझता हूं, एक एग्जांपल के तौर पर आप दो भाई एक पास बैठे हुए हैं, ठीक है, एक के पास 10 रुपए है, दूसरे के पास 20 रुपए है, ठीक है,
एक ने आपको 10 रुपए दे दिया, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हो गया, ठीक है, पहला भाई है जिसका नाम है ए। सर मेरे भाई का नाम ए तो नहीं है सर, मैं ऐसा मत बोलो सर, चलो एग्जांपल दे रहे, ठीक है, ए है। दूसरे का नाम है बी, ठीक है, ए और बी। इसके पास है 20 रुपए, इसके पास है अभी 10 रुपए, ध्यान से समझना। इसके पास है कितना? 20 रुपए, इसके पास है 10 रुपए। अब इसने क्या किया, टोटल कितने रुपए हो गए? 30 रुपए टोटल है, यहां लिख लेते हैं ऊपर 30 रुपए, ठीक है, 30 रुपए टोटल है। इसने क्या किया, 10 रुपए इसको दे दिया, इसके पास और 10 रुपए प्लस हो गया, और इसके पास कितना हो गया? 10 रुपए हो गए। टोटल अभी भी 30 ही है, 10, 10, 20 और 10, 30, टोटल अभी भी 30 ही है, ठीक है। दूसरा देख लो, इसने क्या किया, 15 उसको दे दिया, इसके पास कितना बच गया? 5, कितना हो गया? 15, समझ रहे ना, 15, 10, 25 और 5, 30 है अभी भी 30 ही। पैसा जो है वो कंजर्व है, कंजर्व मतलब उतना ही है, वेस्ट नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ, जो पहले 30 रुपीज था है अभी भी 30 रुपीज, बस इसके पास कम हो गया, उतना ही इसके पास आ गया। तो ये क्या चीज है, इसको कहते हैं, इसको कह दो मनी जो है वो कंजर्व है, मनी जो है वो कंजर्व है, ठीक है, ये चीज, मनी वेस्ट नहीं हुआ। इसी तरीके का आता है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन, तो आपने हेडिंग दिया होगा एनर्जी कंजर्वेशन, उसके उसके नीचे मनी कंजर्वेशन मत लिख देना, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं, एक टर्म आता है आइसोलेशन, क्या चीज होता है? आइसोलेट, अभी लॉकडाउन में बड़ा सुन रहे हो, उसको आइसोलेशन में रख दिया गया, आइसोलेट करके रख दिया गया। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, पूरी बाहर के सराउंडिंग से, बाहर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग। अगर आपको एक रूम में बंद करके रख दिया गया, अकेले, आपको एक रूम में अकेले रख दिया, इसका मतलब आपको आइसोलेशन में रख दिया गया, आपको आइसोलेट करके रख दिया गया, ठीक है, आइसोलेशन में रखा गया, आपको आइसोलेट करके रख दिया गया, सराउंडिंग से अलग, बाकी चीजों से अलग, सेफ, अलग एकदम। तो ये मान लेते हैं एक आइसोलेशन सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेशन है, आइसोलेशन सिस्टम है। इसके अंदर आइसोलेशन सिस्टम हम एग्जांपल में लेके क्यों चलते हैं, ताकि इसके बाहर से ना ही कुछ आ सके और इससे ना ही कुछ जा सके, समझ रहे, इसको आइसोलेशन कंपार्ट कहते हैं, आइसोलेशन कह लो, इसके अंदर से ना ही कुछ बाहर आ सके और ना ही बाहर से कुछ अंदर जा सके। अब देखो, इसके अंदर जो है चार्ज कंजर्वेशन भी इसी तरीके से है, एनर्जी कंजर्वेशन भी इसी तरीके से है, ठीक है। अब देख लो, जैसे मान लो अगर चार्ज हो गया, चार्ज क्या है, उसमें एनर्जी ही है, सब कुछ ही एनर्जी है, पूरी दुनिया एनर्जी का ही खेल है, आपके शरीर में भी एनर्जी ही है पूरा, खाना खाते हो, फूड च्यूइंग करते हो, ठीक है, वो क्या किस चीज में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एटीपी एनर्जी, एडीपी एनर्जी, आपने बायो में पढ़ा होगा साइंस में, एटीपी एनर्जी, ठीक है, सारा एनर्जी का ही खेल है। यहां मान लो हमारा चार्ज है, ठीक है, 2q+2q, चार्ज को करते हैं क्यू से डिनोट, ठीक है, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, COULOMB, लिख लेना पीछे नोट्स में, चार्ज का, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, ठीक है, भूलना नहीं। तो दो तरह के चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो यहां है चार्ज 2q, ठीक है, चार्ज के बारे में बता रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसी तरीके से होगा, चार्ज के बारे में बता रहा हूं, यहां है चार्ज +2q, +3q, -q, ठीक है, तीन तरीके का चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज तो हमने इस बॉडी में दिए, चार्ज कितना, मान लो 3 × 5 = 4, हमने 4q चार्ज टोटल ट्रांसफर किया है बॉडी में, ठीक है, कुछ पॉजिटिव मिला के, कुछ नेगेटिव मिला के। अब इस आइसोलेशन में कुछ अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपने मैथ में सीखा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस होता है, ठीक है, या आपने सीखा हो साइन कन्वेंशन, आपने सीखा हो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव बनते हैं, तो पॉजिटिव 2q है और पॉजिटिव 3q है, यानी प्लस, यहां लिखते हैं +2 है, ठीक है, और +3 है और -1 है, क्यों, क्यू है तो वहां 1 है, तो क्या होगा, 3 × 5 = 4 होगा, अभी मिलकर 4 ही रहेगा ये, ठीक है, टोटल चार्ज कितना हो गया 4q, चार्ज रहेगा वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा, जितना हमने अंदर से दिया, ठीक है,
हमने चार्ज अंदर दे दिया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको आइसोलेट कर दिया, उसके बाद हम चार्ज नहीं दे सकते। तो अंदर जो कुछ भी होगा, प्लस माइनस कटेगा फटेगा जो भी होगा, चार्ज उसका जितना हमने दिया है उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि अंदर से जो चार्ज है वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो आइसोलेशन है, ठीक है। तो एनर्जी भी इसी तरीके से है, अगर अंदर दो तीन तरीके का एनर्जी, इतना एनर्जी हमने दे दिया, मान लो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, ठीक है, उसको हम कहते हैं जूल, J U J O U L E, ठीक है, जूल, इसको हम कैलोरी में अगर पानी पड़ेंगे, आप हाई क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे 4.2 जूल का एक कैलोरी होता है, ठीक है, इस चीज अभी ध्यान नहीं देना है। तो अगर हमने यहाँ पे 50 जूल एनर्जी ट्रांसफर किया, 50 जूल एनर्जी ट्रांसफर किया और इसको हमने आइसोलेट कर दिया, ठीक है, तो अंदर जो भी एनर्जी का इधर उधर होगा, उस एनर्जी साउंड, मान लो हमने साउंड एनर्जी हो गया, अंदर होगा हीट एनर्जी होगा, बहुत सारे एनर्जी होंगे, सारा एक दूसरे खत्म होकर होना 50 जूल ही चाहिए, चाहे अंदर आइसोलेशन में कितना भी गोल दुनिया घूम जाए, 50 जूल एनर्जी ही होगा अंदर, ठीक है, क्योंकि एक बार तो हमने अंदर दे दिया, उसके बाद क्या किया हमने सिस्टम को आइसोलेट कर दिया, और जब एक बार सिस्टम को हमने आइसोलेट कर दिया तो एनर्जी जो है उस आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर नहीं आ सकती। तो हमने अगर 50 जूल एनर्जी ट्रांसफर किया है इस आइसोलेशन कंपार्टमेंट में, तो एनर्जी हमेशा 50 जूल ही रहेगी। तो 50 जूल ही रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रहा है, आइसोलेशन कंपार्टमेंट में एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है, एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होगा आइसोलेशन, समझ रहे हो, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, 20 रुपए उसके पास है, 10 रुपए इसके पास है, टोटल कितने 30 रुपए हैं, उसने 10 रुपए इसको दे दिया, अब इसके पास 20 रुपए हो गए, उसके पास 10 रुपए, लेकिन अभी भी टोटल 30 ही है, 30 ही है, ठीक है, बस इधर से उधर चला गया, लेकिन है 30, समझ में आया होगा, ठीक है। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होता है भाई। अभी तो सर आपने रामायण महाभारत सुना दिया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने हेडिंग दे दिया है, सर पढ़िए कैसे, तो चलो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं। ये से अभी छोटे छोटे टर्म्स से वीडियो को पॉज करके आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं नोट डाउन किया तो वीडियो को पॉज करें, समझे और नोट डाउन करें, ठीक है। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से, ऐसा यूनिट जो होता है उसका कूलम होता है, और एनर्जी का भी लिख लेना, जूल होता है ऐसा यूनिट, मैंने अभी लिखा था JOULE, ठीक है, बड़े क्लासेस में आपको कैलोरी वगैरह पढ़ना है, 4.2 जूल का 1 कैलोरी होता है। हीटिंग दे दो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो एग्जांपल दे, हम समझते हैं जब गाड़ी चलती है, बाइक पे बैठते हो तो बाइक पे क्या बात कर रहे हो, बाइक का बात कर रहे हो, मजा ही आ जाता है बाइक पे बैठने। तो बाइक का जब चलते होगे तो बचपन देखोगे तो नीचे जो साइलेंसर होता है, जो पैर जब चिपक जाता है, क्या ही हाल होता है, क्या ही बोल रहे हो सर, डर लगता है, पैर जब चिपक जाता है वो अंदर गर्म रहता है, गाड़ी जब चल के एक बार रुकती है तो जो नीचे साइलेंसर रहता है वो गर्म रहता है, क्यों रहता है, उसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, उसमें भी बैटरी लगा होता है, ठीक है, और बैटरी क्या है, सोर्स है, हमने कल पढ़ा था, अगर एक बल्ब हमारे घर में जल रहा है, आप जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम के ऊपर बल्ब लगा हुआ है, और अगर वो बल्ब जल रहा है तो उस बल्ब को चलाने के लिए किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, एक सोर्स जहां से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जहां इलेक्ट्रिसिटी जहां से बल्ब के आएगा, और वो सोर्स क्या चीज होता है, सेल या फिर बैटरी, हमने कल पढ़ा था, कह सकते हैं सेल और बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है, एनर्जी सारे सब एनर्जी का ही केंद्र है, सेल और बैटरी इज द फॉर्म इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो एक सोर्स हो गया, ठीक है, उस सोर्स से हमें इलेक्ट्रिसिटी आया, वायर में गया, वायर में जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, कल बताया था मैंने आपको चार्ज जो होता है करंट, वायर में करंट जाता है, ठीक है, और करंट क्या होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस वाला, उस वायर में नेगेटिव चार्ज जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, एक घंटे तक गया, दो घंटे तक गया, वायर भी तो गर्म होगा, जिधर से मान लेते हैं कि ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल हो गया, तो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये एक सेल हो गया, यहां से करंट जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और करंट इस तरह इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, बड़े क्लास में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन जाता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, बड़े क्लास में पढ़ोगे इस माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.73 × 10⁻¹⁹, ये सब बड़े क्लास में पढ़ गया, इस सोर्स से ये हमारा हो गया सोर्स, इस सोर्स से करंट जा रहा है और करंट में क्या जा रहा है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज ओनली, जा रहा है एक घंटे तक
गया, 2 घंटे तक गया, 3 घंटे तक गया। अब ये वायर भी तो गर्म होगा, वायर भी गर्म होगा, जिसके थ्रू जा रहा है करंट, जिसके थ्रू करंट जा रहा होता है वो सारी चीजें गर्म होंगी। अब आपके घर में रेड कलर का बल्ब जलता होगा, तो खैर व्हाइट कलर का जलता है, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। रेड कलर का बल्ब जलता होगा, ठीक है, 100 वाट का, जिसे कहते हैं 100 वाट का, 10-20 रुपए मिलता था वो बल्ब, बहुत देर तक जला, उसको निकाले जब वो गर्म होता है, मम्मी बल्ब गर्म है हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, रुमाल से पकड़ के निकालेंगे। क्यों गर्म हुआ? क्योंकि बहुत देर तक करंट फ्लो किया, बहुत देर तक करंट फ्लो किया, और जिस चीज में करंट फ्लो करेगा वो चीज ऑब्वियस सी बात है हीट करेगा, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना है, कैसे हीट करना है, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा कि जिस चीज के थ्रू करंट फ्लो करेगा वो चीज हमारा हीट होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना है। ऐसे ही कुछ चीज आती है अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, अप्लायंसेज क्या चीज होते हैं, हमने कल बताया था, ये हमारा पंखा हो गया, बल्ब हो गया, अभी गर्मी में आपके अगर कूलर एसी चल रहा होगा वो चीज हो गया, इन सारी चीजों को हम अप्लायंसेज कहते हैं। स्पेलिंग आपने कल लिखा था AEEPLIANCES, ये हमारा अप्लायंसेज हो गया, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि हमने अभी अप्लायंसेज के बारे में सुना, मैंने बताया आपको अप्लायंसेज के बारे में, ठीक है। तो अप्लायंसेज किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे रूम में भी फैन ऑन है, फैन है, बल्ब है, अभी गर्मी के समय में एसी कूलर वगैरह चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी सारे अप्लायंसेज में काउंट होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करे, ठीक है, उसको हमें अप्लायंसेज बोलते हैं। बल्ब बिना इलेक्ट्रिसिटी के ग्लो नहीं कर सकता, ट्यूबलाइट जो हमारे रूम में लगी हुई है बिना इलेक्ट्रिसिटी के ग्लो नहीं कर सकती, अभी एसी कूलर जो भी है बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क नहीं कर सकता। तो आपके बुक में जैसे एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा हो गया इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, हीटर ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है, और ये जो हीटर हो गया, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं जो वर्क करते हैं, जैसे बल्ब और हीटर का अगर एग्जांपल लें हम, तो हीटर जो हो गया इसमें जो वायर लगा होता है, 100 वायर कहते हैं, ये जो 100 वायर है, क्वाइल, 100 क्वाइल, ठीक है, वायर जो है 100 है, क्वाइल सेम है, ऐसे रिंग वायर, ज़ूम 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 ज़ूम, समझ लो ना, ये जो है पार्टिकल, ये हीटर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, हीटर ऐसे बना रहेगा, ऐसे हीटर जो भी बना रहेगा आपका, इसके अंदर देखते हो ऊपर ऐसे लगा रहता है, ठीक है, अंदर ऐसे तार गोल 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 घुमा रहता है, ठीक है, ये जो होता है यही हीट होता है। आप देखते हो ठंड के समय में हीटर पैर के सामने हीटर रखते होंगे, तो एक्चुअली जब काफी देर तक हीटर चला जाता है तो रेड होने लगता है, ग्लो करने, ज्यादा ही ग्लो करने लगता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एनर्जी जो है बस इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, ये बस ट्रांसफर हो सकती है, चेंज हो सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया, वायर के थ्रू आया, आ रहा है 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, जो भी है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे कि आपको ठंड में थोड़ा हीट फील होता है, अच्छा फील होता है, गर्म फील होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी आया, हीट के साथ साथ जब वायर जो है धीरे 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 रेड होना शुरू होता है, येल्लो रेड, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा किस किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी, ठीक है, साथ ही साथ लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्सो एनर्जी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारा हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बस चेंज हो सकता है, वही रहेगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारा आ रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 50 जूल आ रहा है, ठीक है, वायर के थ्रू 50 जूल आ रहा है, ठीक है, एनर्जी का सेम होता है जूल, 50 जूल आ रहा है, और ये जूल 50 जूल है, 25 जूल जो है, 25 जूल आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और 25 जूल जो हो गया आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है अभी भी 50 ही, लेकिन क्या हो गया, बस इसमें से उसमें कन्वर्ट हो गया। ये चीज था इलेक्ट्रिक हीटर का, जो आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिक हीटर का जो क्वाइल होता है ये पर्टिकुलर एलॉय से मिलकर बना होता है। अब एलॉय भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलके, मेटलॉयड से मिलके एक कंपाउंड होता है, उसको एलॉय कहते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक मेटलॉयड कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बनाता है, उसको एलॉय कहते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एलॉय से जो वायर बनाता है, जिसे हम नाइक्रोम वायर कहते हैं, NICHROME, इसे नाइक्रोम वायर कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है बल्ब का, ठीक है,
एक बल्ब में बहुत ही थीन वायर होता है, देखते हो क्या बल्ब जल रहा है, ठीक है, जो रेड कलर का बल्ब होता है उसमें आगे की तरफ अंदर की तरफ एक बहुत ही थीन वायर बना होता है, ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलर हीटिंग एलिमेंट होता है जिसे टंगस्टन वायर कहते हैं, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेंगे आप। बल्ब का जो हो गया, ये बल्ब है आपका, ठीक है, यहां पे ऐसे जाता है और यहां एक बड़ा छोटा सा बना होता है वायर जिससे पूरा बल्ब उपयोग करता है, समझ रहे हो ना। तो ये जो वायर होता है इसको टंगस्टन वायर कहते हैं, ठीक है, इसको टंगस्टन वायर कहते हैं। ये भी एक हीटिंग एलिमेंट पे काम करता है, टंगस्टन वायर हो गया। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, इसमें भी आपका जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का से हम अगर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये भी कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कुछ बल्ब ज्यादा ग्लो करता है तो लाइट एनर्जी में कुछ कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में, ठीक है। तो ये जो बल्ब थे पहले के समय में इसको ज्यादा यूज किया जाता था, अभी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलते होंगे ये बल्ब, ठीक है। अब जो है ये जो बल्ब है काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है, समझ लो ना, ये काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है। अब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट तो हो जा रहा है लेकिन लाइट एनर्जी हमारे ज्यादा काम का नहीं, हीट एनर्जी हमारे काम का नहीं है। लाइट एनर्जी तो ठीक है, बल्ब जलाते हैं ताकि लाइट करे, लाइट की हमें जरूरत है, लेकिन जो हीट एनर्जी है वो ज्यादा हमें काम का जरूरत नहीं है, हीट एनर्जी से हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो बल्ब था इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें बस लाइट एनर्जी की जरूरत थी, ये हमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसलिए इस बल्ब को अब ज्यादातर यूज नहीं किया जाता, ठीक है, इसको 100 वाट का बल्ब बोलते थे, पापा के मुंह से सुना हो गया 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, ठीक है। तो ये 100 वाट का बल्ब अब ज्यादा लोग यूज नहीं करते, इसकी जगह पे अब मॉडर्न टेक्निक में आ गया है CFL का यूज करते हैं, CFL लिखेंगे CFL, ये सब आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। जो हीटर में वायर यूज होता है अलॉय, उसे हम नाइक्रोम वायर कहते हैं, जो हमारा बल्ब में यूज होता है उसे हम टंगस्टन वायर कहते हैं, ठीक है, ये सब आप चीज छोटे छोटे टर्म्स हैं यहां पे लिख लेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो बल्ब था, जो रेड कलर का बल्ब ग्लो करता था पहले हम यूज करते थे, अब थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी जगह पे हमने अब CFL यूज करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें काफी एनर्जी वेस्ट हो जाता था हमारा, ठीक है, हीट के फॉर्म में जो हमें रिक्वायर नहीं होती थी, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती थी, इसलिए अब जो है CFL लोग ज्यादा यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लिख लेंगे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसका फुल फॉर्म हो गया FLORESCENT, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो ये चीज है, ग्लो ये भी करती है, ठीक है, लेकिन ये हीट एनर्जी के फॉर्म में इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होता। हाँ ये बात है कि जो हमारा पहले बल्ब था जिसे हम 100 वाट का बल्ब कहते थे, जो रेड कलर का ग्लो करता था, CFL आपके घर में लगा होगा जो व्हाइट कलर का ग्लो करता है, ठीक है, ये जो 100 वाट का बल्ब होता था ये वाला, ये आपको रेड कलर का ग्लो करता था, रेड कलर येलो कलर, ठीक है, इसमें हमारा हीट एनर्जी ज्यादा वेस्ट होता था, लेकिन CFL में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं तो इसमें बस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। देखते नहीं मर्करी CFL लगा होता है घर में, ठीक है, इसमें बस लाइट आता है, ये गर्म नहीं होता है, ज्यादा गर्म नहीं होता है, इसमें हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होता है लेकिन बहुत ही कम एनर्जी वेस्ट होता है। हाँ ये थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं था, ये CFL जो है एक्सपेंसिव है, लेकिन इससे हमारा एनर्जी जो होता है वो कंजर्व, एनर्जी वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें CFL का आप देख लेंगे, CFL में हो गया ये हमारा एनर्जी वेस्ट कम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ज्यादा से ज्यादा हमारा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, हीट एनर्जी इसमें एनर्जी वेस्ट कम होती है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें 100 वाट के बल्ब से जो येलो कलर का ग्लो करता है उसमें एनर्जी हमारी काफी वेस्ट हो जाती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के फॉर्म में, हम देते क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए अब ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, मोस्टली प्रेफर कर रहे हैं कि हम CFL यूज करें, ठीक है। LED भी अब आ गया है, ठीक है, ये एक्सपेंसिव है लेकिन सही है, ठीक है, तो ये चीज आप लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, हेडिंग डालेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। अगर आप मैं जो लिखा रहा हूं अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे,
नेक्स्ट हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ठीक है, हेडिंग करो इलेक्ट्रिक फ्यूज, समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज सुने हो आप, फ्यूज हो गया सर क्या ही कह रहे हो, माइंड फ्यूज हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम एक सेफ्टी डिवाइस कह सकते हैं। भाई किस चीज का सेफ्टी, मान लो कभी कभी सुने होंगे कि बल्ब फ्यूज हो गया, कैसे फ्यूज हो गया, बल्ब को जितनी करंट की रिक्वायरमेंट है ना, बल्ब को जितनी करंट की रिक्वायरमेंट है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लो ये बल्ब है, ठीक है, इसकी करंट की रिक्वायरमेंट है 5 एम्पियर, ठीक है, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, करंट का ऐसे ही होता है एम्पियर। ये जो बल्ब है इसका करंट का लिमिट है 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर तो कोई बियर कर सकता है, सह सकता है, इससे ज्यादा अगर इसमें करंट फ्लो कर गया तो बूम ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा, पहले फ्यूज होगा उसके बाद ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, कैसे फ्यूज होता है, जरूरत से ज्यादा करंट उसमें आ जाता है, ठीक है, इसलिए जब हम घर बनाते हैं, घर में हाउस होल्डिंग करते हैं, सारा तार वगैरह हम सेट करते हैं, तो घर में जो करंट हमें जरूरत पड़ती है, मान लो हमारे घर को करंट चाहिए 50 एम्पियर, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा घर है, इसमें हमारा चाहिए 50 एम्पियर, ठीक है, इसमें जितने जितने भी हमने सामान लगाया है, मान लो यहाँ बल्ब लगाया है, ठीक है, टीवी लगाया, कुछ पंखा लगाया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने घर में लगाई हुई है, ठीक है, इस घर में हमने करंट लिया 50 एम्पियर, ठीक है, 50 एम्पियर तक का करंट आएगा तो सब कुछ सही से, बल्ब चलेगा, पंखा चलेगा, सब कुछ सही से काम करेगा 50 एम्पियर, ठीक है, अगर 50 एम्पियर से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा, पंखा भी खराब हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा, सब कुछ मतलब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, मरकरी फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, जिसको कहते हैं फ्यूज उड़ गया, तो इसीलिए हम घर में तार डालने से पहले, ठीक है, जब सब में पंखे में बल्ब में करंट पहुंच रहा है उससे पहले हम एक फ्यूज लगाते हैं, ठीक है, फ्यूज लगाते हैं। अब फ्यूज इसलिए लगाते हैं, इसमें फ्यूज में ये आपका हो गया फ्यूज जैसे, ठीक है, ठीक है, इसमें एक वायर रहता है, ठीक है, ये वायर रहता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, बहुत हाई नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जरूरत से ज्यादा करंट अगर फ्यूज भी एम्पियर में होता है, मान लो ये फ्यूज 5 एम्पियर का है, ठीक है, फ्यूज 5 एम्पियर का है, एम्पियर 5 एम्पियर इसमें करंट जा सकता है, तो फ्यूज आसानी से वर्क करेगा, ठीक है, 5 एम्पियर का फ्यूज है, अगर 6 एम्पियर का इसमें करंट चला गया, मान लो यहाँ करंट 6 एम्पियर चला गया, तो ये जो फ्यूज है ना ये ब्रेक हो जाएगा, इसका जो अंदर वायर लगा होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इसका, ये 5 एम्पियर तक का ही करंट सह सकता है, 5 एम्पियर तक का ही करंट बियर कर सकता है, अगर 6 एम्पियर का करंट इसके अंदर जाता है तो ये फ्यूज का वायर जो है मेल्ट कर जाएगा, यही फ्यूज हम यहाँ लगाते हैं, 50 एम्पियर तक का हमें करंट जरूरत है, अगर यहाँ पर 60 एम्पियर आ गया तो पहले ही फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज का वायर ब्रेक हो जाएगा और आगे करंट जा ही नहीं सकेगा, ठीक है, आगे करंट फ्लो नहीं कर सकेगा, इसीलिए घर में जो वायरिंग हमारी होती है तो उससे पहले हम फ्यूज लगाते हैं, ताकि ओवर करंट अगर फ्लो करे तो वो फ्यूज का वायर जो है ब्रेक कर जाए, ठीक है, ताकि करंट फ्लो बंद हो जाए और हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं सारे सेफ रह चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको एक सेफ्टी डिवाइस कहते हैं, किसके लिए सेफ्टी डिवाइस, अप्लायंसेज के लिए, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, यहां लिख लेंगे, नोट्स लिखेंगे, 2.3 पॉइंट है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विथ फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस विथ सेव्स आर अप्लायंसेस विच सेव्स आर अप्लायंसेस फ्रॉम
ओवरफ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अ फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस विच सेव्स आवर अप्लायंसेस फ्रॉम ओवरफ्लो ऑफ करंट। जैसे कि मैंने अभी बताया एक फ्यूज है 5 एम्पीयर का फ्यूज है, ठीक है, अगर उसमें 6 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा उस फ्यूज का जो वायर है अंदर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो क्या होगा मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, वहां सर्किट ब्रेक हो जाएगा, उसको कहते हैं सर्किट ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो हमारे सारे अप्लायंसेस फैन बल्ब सारे सेफ हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए फ्यूज लगाते हैं हम। तो फ्यूज का डेफिनेशन है फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस विच सेव्स आवर अप्लायंसेस फ्रॉम ओवरफ्लो ऑफ करंट। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट है वो भी लिख लेंगे, यहां पे ऊपर मैं लिख रहा हूं अ फ्यूज हैज वेरी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज है लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो 5 एम्पीयर तक का फ्यूज है। ठीक है, उसमें हमने हाई वायर लगा दिया जो बहुत ज्यादा करंट सह लेगा, और इधर हम करंट दे रहे हैं और बल्ब हमारा बियर कर सकता है 10 एम्पीयर 5 एम्पीयर तक का करंट जा रहा है, फ्यूज मेल्ट हो ही नहीं रहा है, तो सारे हमारे अप्लायंसेस वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, पंखा खराब हो जाएगा, ये सारी चीजें हैं। इसलिए फ्यूज का वायर लो मेल्टिंग पॉइंट का बनाया जाता है ताकि ये सेव हो सके, हमारा अप्लायंसेस सेफ रह सके। ये सारे पॉइंट्स हम नोट डाउन कर लेंगे। एक टर्म आता है हमारा एमसीबी। फ्यूज जो है, जैसे कि हमने 100 वाट का बल्ब यूज करना धीरे धीरे कम कर दिया, उसकी जगह हमने अब सीएफएल यूज करना शुरू कर दिया, उसी तरीके से फ्यूज को हम यूज करना बंद कर दिए। ठीक है, इसके जगह पे हम यूज करते हैं एमसीबी। ठीक है, क्या यूज करते हैं? एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसको मैं इरेज करवा के अपने नोट डाउन कर लिया होगा, हेडिंग डालेंगे एमसीबी क्या होता है, एमसीबी को क्यों यूज कर रहे हैं आप, समझ रहे हो? फ्यूज जो होता है ना, एक बार फ्यूज हो जाए उसका, मान लो ये फ्यूज जैसे मैंने बनाया, ठीक है, इसके अंदर ये वायर गया होगा लो मेल्टिंग पॉइंट का, हाई करंट फ्लो किया इसमें, ये ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद तो इसको हम फिर से इसमें वायर जोड़ेंगे तभी तो इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गोपिया सरकार का जादू चल रहा है, अपने आप इसका वायर जो है अपने आप अटैच हो जाएगा, फिर से फ्यूज वर्क करना शुरू कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है। इस वायर फ्यूज को हमें निकालना होगा, इस वायर को हमें फिर से डालना होगा, कॉपर का वायर जनरली लोग यूज करते हैं घरों में, ठीक है, कॉपर का वायर यूज करते हैं, तो इस वायर को हमें फिर से लगाना होगा, फिर से डालना होगा। ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा वर्क आसानी है, इसलिए इसके जगह पर हम यूज करते हैं एमसीबी। क्या यूज करते हैं? एमसीबी लिखो हेडिंग एमसीबी फुल फॉर्म लिखो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो देख रहे होगे आप एमसीबी ऐसे लगता है घर पे, ठीक है, ऐसे एमसीबी लगा हुआ है क्या, ऐसा छीछी कैसा फिगर बना रहा है सर, ऐसा एमसीबी नहीं होता हमने घर पे, तो कुछ था और ये देखा ऐसा होता है, ठीक है, बटन लगा टुई से गिर जाता है, फिर उठा देते हैं हम, फिर गिरा देते हैं, फिर उठा देते हैं, ये क्या होता है ना एमसीबी, जब ओवरफ्लो करंट होगा ना इसमें, ठीक है, मान लो हमने एमसीबी लगाया 10 एम्पीयर तक का, 10 एम्पीयर का एमसीबी लगाया, ठीक है, तो अगर 11 एम्पीयर का करंट अगर फ्लो करेगा, 11 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा तो ये इसका जो बटन है ना अपने आप गिर जाएगा, तो जब करंट सही होगा तो उसको जाके हम ऐसे उठाते बटन दबाने में क्या है। अब ये जो फ्यूज है इसका हम जब तक वायर है, जब तक इसको वायर को निकाल के नया वायर लगाएंगे, ठीक है, उतने देर में हम जाके बटन उठा देंगे, ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है एमसीबी का बटन उठाना रेदर देन ये फ्यूज का वायर जोड़ना, ठीक है, इसलिए फ्यूज को अब लोग कम यूज करते हैं, फ्यूज भी यूज होता है लेकिन एमसीबी ज्यादा स्टैंडर्ड है, समझ रहे हो ना, एमसीबी ज्यादा स्टैंडर्ड है, इस चीज को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे एग्जांपल्स थे।
ठीक है, ये भी हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है, एमसीबी भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले हमने पढ़ा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सीएफएल के बारे में, 100 वॉट के बल्ब के बारे में, ठीक है, कुछ अप्लायंसेस के बारे में पढ़े हमने, हीटर वगैरह जैसे हो गया, इसमें हम नाइक्रोम वायर यूज करते हैं जो की अलॉय होता है, एक तरह का अलॉय होता है नाइक्रोम वायर। इन सबका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना बहुत हाई होता है। जैसे हीटर का हम बात करें ना, हीटर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, करंट जा रहा है, ग्लो करंट जा रहा है, वायर से जा रहा है, वायर से गर्म हो रहा है, ग्लो कर रहा है, लेकिन मेल्ट नहीं हो रहा है, समझ रहे ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, मतलब इतना भी हाई नहीं, मतलब काफी हाई होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, समझ रहे हो ना, इसलिए गिरता नहीं है। और फ्यूज का जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए ओवर करंट फ्लो करेगा ना तो उसका वायर जो होगा मेल्ट करके गिर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। और ये जो हो गया हमारा नाइक्रोम वायर, टंगस्टन वायर, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई बनाया जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जांपल्स में हमने हीटर वगैरह पढ़ा, हमने बल्ब पढ़ा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप पढ़ा, हमने फ्यूज पढ़ा, ठीक है, साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, एमसीबी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ एक दो एग्जांपल्स है आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अभी हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तब तक के लिए घर पे पढ़ाई करते रहे, भाई बहन से झगड़ा करना बंद कर दे, नोटबुक खोले, नोट्स बनाए, अच्छे से डीपली समझाए हैं। अगर मेरी आवाज फास्ट है तो इसको यूट्यूब पे स्लो कर लीजिएगा, अगर मेरी आवाज स्लो है तो यूट्यूब पे फास्ट कर लीजिएगा, सारा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।